वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो जयप्रकाश पावर वेंचर स्टॉक के फॉरकास्ट रिपोर्ट देखेंगे, बल्क डील भी चेक करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट बल्क डील्स हो चुके हैं इस वीक में और इस मंथ में, और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी आप चेक करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक प्रो दोनों चीज़ें चेक करेंगे। तो वेनेसडे के दिन यहाँ पे 7.95 पे क्लोजिंग दी थी जयप्रकाश पावर वेंचर स्टॉक ने। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इंट्रेंसिक वैल्यू देख सकते हो, इनसफिशियंट डाटा की वजह से नहीं बताया गया। पर आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन बैंक एफडी। तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न तो नहीं दे रहा इक्विटी पे। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड रिटर्न भी यहाँ पे नहीं देता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरब्रॉड जोन में नहीं है। तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड फ्लैग्स फाउंड आने के। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक एसएम जीएसएम लिस्ट में भी है और तकरीबन प्रोमोट होल्डिंग में ज़्यादा शेयर प्लेस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जयप्रकाश वेंचर्स के प्रो चीज़ें भी देखे जाए तो यहाँ पे प्रो में देख सकते हो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो रहने वाले आने वाले 12 महीनों में। और क्वालिटी चेक्स की भी बात की जाए तो क्वालिटी चेक्स में पोअर परफॉर्मेंस है और ग्रोथ स्कोर में भी यहाँ पे पोअर परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 5448 करोड़ का है तकरीबन। मीन्स आप रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क में करंटली है स्टॉक। तो बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि यहाँ पे की मैट्रिक्स और फॉरकास्ट तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पर बाकी जैसे कि यहाँ पे की मैट्रिक्स में देख सकते हो पी रेशियो जो है वो 20.40 है। टोटल डेप जो कंपनी के ऊपर है 5196 करोड़ का है। नेट इनकम जो है 267 करोड़ का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू 3594 करोड़ का है और टोटल एसेट जो है 16993 करोड़ के। तो होल्डिंग की भी बात की जाए तो होल्डिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग 24% के, उनमें से 22.71% शेयर्स प्लेज है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जीरो है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल देखे जाए तो 23.12 है। FII देखा जाए तो 1.20% है। रिटेल एंड अदर पब्लिक होल्डिंग जो है 51.68% की है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्क डील की भी बात की जाए तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल्क डील यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर में यहाँ पे बाइंग की बल्क डील हो चुकी थी। फिर यहाँ पे जनवरी में यहाँ पे सेलिंग शेयर्स को सेल किए गए थे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में सिर्फ यहाँ पे 20 लाख की बल्क डील हो चुकी थी, बाइंग किए थे शेयर्स। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जेपी पावर स्टॉक के लिए।